हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लगातार मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं, जिसमें स्टूडेंट या तो कोई फोटो या कोई वीडियो या कोई न्यूज़ आर्टिकल शेयर कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ड्यू के कैंपसेस में अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन करने का प्रोटेस्ट चल रहा है। तो क्या इस बात के चांसेस हैं कि हमारे जो फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन है उसको पोस्टपोन कर दिया जाए? तो देखो, यहाँ पर मैं सभी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, चाहे आप एसएल के स्टूडेंट हो, रेगुलर के स्टूडेंट हो या फिर एनसीवेप के स्टूडेंट हो, सभी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स की बात मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ड्यू के अंदर अभी प्रोटेस्ट तो चल रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट का रीज़न आप देखें तो उसमें एक रीज़न तो ये है कि जो आपका इंटरनल असेसमेंट है वो नया इंटरनल असेसमेंट ऐड किया गया, और इसकी वजह से स्टूडेंट्स के पास ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है और जो टीचर्स हैं उनके ऊपर भी काफ़ी प्रेशर है, क्योंकि बहुत सारे असाइनमेंट्स जो हैं वो उनको लेने पड़ेंगे और जो इंटरनल असेसमेंट का जो नया प्रोसेस है उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। दूसरा, जो एसओ से रिलेटेड कुछ संगठन है वो भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि जो बीए प्रोग्राम के स्टडी मटेरियल है फर्स्ट सेमेस्टर का वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है। इसके अलावा जो क्लासेस है वो ठीक से नहीं हुए हैं, तो क्योंकि स्टडी मटेरियल और का डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासेस ठीक से नहीं हुए तो पहले इनको ठीक से करवाया जाए, उसके बाद ही एग्ज़ाम लेने चाहिए, ऐसा जो है कुछ संगठन का कहना है। अब देखो, मुद्दे की बात ये है कि क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे या नहीं होंगे। तो देखो, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी कम है। काफ़ी कम का मतलब क्या, आप मान के चलो 5-10% से भी कम है, ना के बराबर चांसेस है कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होंगे। मोस्ट प्रोबली आपके जो एग्जामिनेशन है वो जो आपकी फाइनल डेट शीट आई है उसी के अकॉर्डिंग होने वाले हैं। एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी कम है। तो जिस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अपनी प्रिपरेशन करना उसी तरह से जारी रखें। अगर किसी ने प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करी तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर लें, एग्ज़ाम के पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी कम है। हालांकि प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे हैं, प्रोटेस्ट के कुछ जेन्युइन रीजंस भी हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। तो सिंपल सी बात यह है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी कम है। बाकी जो आपका इंटरनल असेसमेंट है बीए प्रोग्राम को छोड़ के बाकी सभी जो कोर्सेज हैं उनके इंटरनल असेसमेंट 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। आपके इंटरनल असेसमेंट एमसीक्यू बेस पे होंगे, ठीक है, एमसीक्यू आपके आएंगे और उन एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना होगा। कहाँ से आपको करना है, तो आपका जो स्टूडेंट डैशबोर्ड है वहीं से आपको अपने जो इंटरनल असेसमेंट है उसको करना होगा। आपके इंटरनल असेसमेंट और असाइनमेंट एक ही बात है, आपको इसमें कन्फ्यूज नहीं होना, सेम ही चीज़ें हैं दोनों। तो ये आपको ध्यान में रखना है, अभी के लिए आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन होने के चांसेस कम है। जो भी ये इस बात को लेके आराम से बैठे कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाएंगे तो अभी हम तैयारी क्यों करें, तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें, पोस्टपोन होने के चांसेस काफ़ी कम है। जो आपके फाइनल डेट शीट है उसी के अकॉर्डिंग आपके एग्जामिनेशन होंगे। जिस स्टूडेंट को फाइनल डेट शीट समझ नहीं आ रही तो आप वेट करें, एग्ज़ाम के लगभग 6 दिन पहले, 5 दिन पहले या 1 हफ्ता पहले आपका जो एडमिट कार्ड है वो आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ जाएगा, उसके अंदर आपकी सारी डिटेल्स को क्लियरली मेंशन किया जाएगा। बाकी बीए प्रोग्राम का जो इंटरनल असेसमेंट है उसका शेड्यूल भी जल्दी रिलीज़ कर दिया जाएगा। बाकी कोर्सेज के जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 फरवरी से स्टार्ट होंगे एमसीक्यू मोड में, तो उसके लिए भी आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा आपको सफिशियंट एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम दिया जाएगा आपको एग्जामिनेशन को करने के लिए, इंटरनल असेसमेंट को करने के लिए, तो उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी अपडेट होगी आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड की जाएगी, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोई और आपकी क्वेरी हो किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उस टॉपिक पर वीडियो मैं बना दूंगा। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।